हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा, मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स के सेशन में आपका वेलकम करता हूं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सलमा, जो भी प्रेजेंट है जल्दी जल्दी विश करना शुरू करिए ताकि एक न्यू एनर्जी के साथ हम सेशन को शुरू कर सके। काफी लंबे गैप के बाद हमारी क्लासेस फिर से शुरू हुई है। सरस्वती पूजा हॉलीडे जो हमारे यहाँ पर चल रहा था, जल्दी जल्दी विश करना शुरू करिए गाइस। कौन कौन प्रेजेंट अभी अवेलेबल हैं, जल्दी जल्दी विश करिए। जल्दी जल्दी विश करना शुरू करिए। गुड मॉर्निंग सख्तर अंसारी, गुड मॉर्निंग। और जो भी प्रेजेंट हैं जल्दी जल्दी विश करिए ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। ओके, गुड मॉर्निंग के आनंदी। सो गाइस, ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स 2021 के लिए। 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से मेरी क्लास की टाइमिंग कुछ सेट की गई है। अब धीरे धीरे क्लासेस फिर से शुरू होने वाली है जिस तरीके से चल रही थी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को भी किसी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वायरी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो हमसे या फिर हमारे ब्रांच इंचार्ज से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 फ्रॉम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं। यूएनईपी से एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? साइट्स को, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम को, या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को, या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को? क्विक आंसर गाइस, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विक रिप्लाई। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सलमा का आंसर है वन का डी, सख्तर सी बोल रहे हैं। बाकी सभी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। थोड़े से रिवीजन पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि काफी लोगों के आंसर गलत भी आते हैं। अभी तक अगर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिवीजन पर या फिर तैयारी पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस रहना पड़ेगा प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है? थोड़ा सा तैयारी को लेकर सीरियस रहना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोबाइल ऐप स्नैकपेडिया। ओके, स्नैकपेडिया एक मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। मोबाइल ऐप स्नैकपेडिया किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? केरला, असम, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्नैकपेडिया जो मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्विक रिप्लाई गाइस। सलमा बोल रही है टू का ए होगा, केरला के द्वारा। वेरी गुड सलमा, बहुत अच्छे, केरला के द्वारा शुरू किया गया है। वेल डन, बहुत अच्छे, गुड।
वेरी गुड, और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्विक रिप्लाई गाइस, किया बोल रही हैं, ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड किया। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। केया का भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, सलमा ऑप्शन ए। क्विक रिप्लाई गाइस, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। सत्तर बोल रहे हैं, सी होगा उत्तर प्रदेश। वेरी गुड सत्तर। चलिए आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरला। वेल डन केया एंड वेल डन सलमा। ऑप्शन ए, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर एंड फोटोग्राफर्स इन केरला हैव लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम स्नेकपेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल, क्या नाम है अशोका, अशोका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इरविन एलन सिली, झुंपा लहिड़ी, अनीता देसाई या शोजी सिबा। क्विक रिप्लाई गाइस, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्विक रिप्लाई, क्या बोल रही है सलमा, बोल रही है थ्री का ए, इरविन एलिस सिली। वेरी गुड सलमा, बहुत अच्छे। बाकी सबके आंसर, सलमा का आंसर थ्री का ए है, बाकी सबके आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इरविन एलेसिली, ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर। और बाद में भी जिनका भी ऑप्शन ए आएगा 100% करेक्ट होगा। केया का ऑप्शन बी था, नहीं केया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इरविन एलेसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर फोर, हर्षवर्धन हैज इनॉग्रेटेड कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब एट विच प्लेस। हर्षवर्धन ने किस स्थान पर कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया है। सी एस डब्ल्यू आर आई, अविका नगर, सेस एक्रोनिम आई ई जी या फिर सी डी आर आई लखनऊ। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्विक रिप्लाई गाइस, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, सलमा फोर का सी कह रही है, के आर सी कह रही है, एक्रोनिम आई जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सत्तर बोल रहे हैं डी। वेरी गुड सत्तर, 100% आपका करेक्ट आंसर है सी डी आर आई लखनऊ, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका फुल फॉर्म है सी डी आर आई का, जो लखनऊ में हैज एस्टैब्लिश्ड अ कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हब जिसको सी आर डी टी डी एच एस्टैब्लिश किया गया इसके द्वारा।
फॉर कंडक्टिंग एडवांस रिसर्च के लिए, एडवांस रिसर्च के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया। वेल डन। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इंडियन डिफेंस की क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही है, फरवरी से शुरू हुई है, एडमिशन स्टार्ट है, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई, अरुण कुमार, झुंपा लहरी या सोजा सिबा? जल्दी से बताइए, सोजी सिबा लास्ट ऑप्शन है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्विक रिप्लाई गाइस। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अपकमिंग एग्जाम जो भी आप देने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 5 का ए अनीता देसाई, सलमा कह रही हैं। बहुत अच्छे सलमा, अनीता देसाई सलमा का आंसर है। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सर कंफ्यूज बीओ होते पारे। ओके सलमा कह रही है बी भी हो सकता है, कोई बात नहीं सलमा। पहले आप लोग आंसर कोई भी एक डिसाइड तो करना ही पड़ेगा, चार ऑप्शन है तो जल्दी से आंसर दीजिए। सलमा का आंसर तो आ चुका है ऑप्शन ए, बाकी सबका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरुण देसाई, अरुण कुमार इज द ऑथर, अरुण कुमार सॉरी नॉट अरुण देसाई, अरुण कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। बट सलमा आपने आंसर दे चुका, आपका आंसर गलत हो चुका है, सॉरी। आगे बढ़ने से पहले अगर सेशन पसंद आ रहा हो, किया का आंसर सही था ऑप्शन ए, वेरी गुड किया। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है, और ज्यादा से अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सख्तर ने भी ऑप्शन डी ही सेलेक्ट किया था, अभी सख्तर ने उस आंसर को हटा दिया है। बाय द वे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, पेड कोर्स है, 250 पर मंथ है, सप्ते में 2 दिन क्लासेस हमारे यहाँ पर दी जा रही है। आज से किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इतने कम फी में 2 क्लासेस नहीं दी होगी, कॉम्पिटेटिव बेस की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा था कि बी आंसर होगा लेकिन आपने आंसर दिया था 5 का ए। 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स या 21 ईयर्स गाइस, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्विक रिप्लाई सर, आमियो तो भूल आंसर को जी, हाँ के हाँ आई नो, आपका आंसर ए है। देखिए आप सही करो या गलत करो मैं हमेशा बोलूंगा वेरी गुड क्योंकि आपने कोशिश की इसलिए मैं वेरी गुड कहता हूं हमेशा। बहुत जन चुप रहते हैं, आंसर ही नहीं देते हैं तो ये वेरी गुड उनके लिए नहीं है। सलमा बोल रही है 6 का 8 30 ईयर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे सलमा। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सलमा बोल रही हैं 6 का A 30 ईयर्स, सख्तर बोल रहे हैं ऑप्शन ए 30 ईयर्स, वेरी गुड सख्तर, क्या बोल रहे हैं ऑप्शन ए 30 ईयर्स, वेल डन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स नॉट 30 ईयर्स। Jyotsna Faneja has become the youngest woman to complete PhD and by doing so, she has made a record in her name at the age of 25 years. 25 साल की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लाइटली मत लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार बने हुए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांड हैज बीन रोप्ड इन एज द टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द 2021 एडिशन।
2021 संस्करण के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किस ब्रांड एम्बेसडर को शामिल किया गया है, किस ब्रांड को शामिल किया गया है? अन अकेडमी, बायजूस, वीवो या ड्रीम इलेवन? यस, सख्तर अंसारी, 25 ईयर्स, वेरी गुड। लेकिन आपने आंसर दिया था 30 ईयर्स, ऑप्शन ए। सलमा बोल रहे हैं 7 का C होगा, वीवो, वेरी गुड सलमा, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन बने थे और एग्जाम में आए थे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सलमा का आंसर है 7 का C, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी बायजूस, सख्तर बोल रहे हैं डी ड्रीम इलेवन। कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आंसर चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वीवो। द चाइनीज मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी ब्रांड वीवो हैज रिटर्न्ड एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल फॉर द 2021 एडिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जॉर्गी खगारिया हैज रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री? जॉर्गी गखारिया ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? आयरलैंड, जॉर्जिया, पोलैंड या स्वीडन? क्विक आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। सलमा बोल रही है 8 का B, जॉर्जिया, वेरी गुड सलमा, बहुत अच्छे। जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे अपने टोटल मार्क्स को बताना ना भूलें कि आपने कितने मार्क्स आज हासिल किए हैं। सलमा का आंसर है 8 का B, जॉर्जिया। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विक रिप्लाई गाइस। क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी 8 का B होगा, जॉर्जिया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्जिया। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जॉर्जिया ने क्या किया है, अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। वेल डन। मैथ की क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही है, 250 पर मंथ, अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, स्वीडन होने हो सर, एकदम भी नहीं, जॉर्जिया इज करेक्ट आंसर, डोंट वरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रॉइंग? विश्व का सबसे बड़ा ड्रॉइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? FRA, हेक्टर गैरेट, जोनाथन हैरिस या फिर डायमंड व्हीलर वीपर? क्विक आंसर गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सलमा बोल रहे हैं 9 का B, हेक्टर गैरेट, वेरी गुड सलमा। बाकी सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सत्तर बोल रहे हैं ऑप्शन बी, हेक्टर गैरेट। क्या आपका आंसर, और बाकी जो भी अभी प्रेजेंट लाइव में है तो वो भी आंसर दे दीजिए, कोशिश करिए, आंसर भले ही गलत हो लेकिन ट्राई जरूर किया करिए।
चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड विपर। एन आर्टिस्ट बेस्ड इन फिलोडेल्फिया, डायमंड विपर हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राइंग बाय एन इंडिविजुअल। अकेले इन्होंने ये किया है। क्या बोल रही थी? बी नहीं किया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ेंगे। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड? वर्ष के स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बी एस येदियुरप्पा, रूपा, वाई एस जगमोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन या ममता बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सलमा बोल रही है 10 का बी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वेरी गुड सलमा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विक रिप्लाई। सत्तर भी बोल रहे हैं बी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। तो चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर। वाई एस जगनमोहन रेड्डी, द चीफ मिनिस्टर्स वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैज बीन कन्फर्ड द स्कॉच मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ईयर अवार्ड। चलिए ये भी बता दीजिए, ये वाई एस जगनमोहन जो रेड्डी है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? जल्दी से बताइए। सुप्रियो सर की क्लासेस एवरी ट्यूसडे 8 PM होती है, अटेंड करना ना भूलें। प्रीवियस डे लास्ट डे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके आंसर चेक कर लेते हैं। कॉटन फेस्टिवल 2020 वाज हेल्ड इन विच सिटी? यह ढाका में हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड अ प्रपोजल फॉर बंगबंधु शेख मजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज? यह यूनेस्को के द्वारा। विच कंट्री हैज लॉन्च फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप ऑन मून? यह यूएसए ने बनाया है। आंध्र प्रदेश। वेरी गुड सलमा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द आइडेंटिटी क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ असमीज मुस्लिम्स? ये है जाफरी मुदस्सर नोफेल। ओके, क्या आंसर मिल चुका है आपको? सलमा ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को डिक्लेयर्स 2021 एज विच ईयर? यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, लाइटली मत लीजिएगा। जल्दी जल्दी अपने स्कोर बताना शुरू करें, और आज के टॉप 5 क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइंड MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CII इंडिया टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू MSMEs अक्रॉस इंडिया? नेक्स्ट है, इन विच सिटी RBI हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर? हु हैज वॉन गोल्ड इन 10 ग्राम एयर राइफल इवेंट एट द 6th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसकी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर। तो आप कोशिश करिए इसका आंसर आपके तरफ से आए। अब अपने स्कोर को बताना शुरू करें, ताकि हम इंपॉर्टेंट डे को देख सके। आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा? सरास तो सौ भूल के आनंदी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग वासुदेव। वासुदेव कह रहे हैं अमर नेट से साई किचू देखते पारछी ना। वासुदेव इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देख लेना। देखिए अल्टीमेटली आपका मोटो होना चाहिए स्टडी, चाहे वो लाइव क्लास में स्टडी कर रहे हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लास में कर रहे हो, तो कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन प्लीज आप स्टडी पे फोकस करिए। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, वर्ल्ड स्काउट डे आज इंपॉर्टेंट डे है। 22nd फरवरी एवरी ईयर वर्ल्ड स्काउट डे इज सेलिब्रेटेड एंड मिलियंस ऑफ स्काउट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर एट द लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू सेलिब्रेट द फाउंडर्स डे। दिस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बैडेन पावल द पायनियर ऑफ स्काउटिंग।
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये स्काउट डे जो होता है वो क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो याद रखिएगा लॉर्ड बैडन पावल की बर्थ एनिवर्सरी है, जो फादर हैं आपके ये बोल सकते हैं कि स्काउट के। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग सोचते हैं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। जल्दी जल्दी मार्क्स बताना शुरू करें। और एवरी सैटरडे 7 PM जीआई की क्लासेस होती है, ये शायद फिर से शुरू होने वाली है। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनकी मदद हो सके। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर या हमारे स्लाइड पर जो भी नंबर चल रहा है उस पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू के आनंदी, थैंक यू सलमा, थैंक यू वासुदेव, थैंक यू सख्तर अंसारी, ऑल ऑफ यू जो बाद में भी लेक्चर्स को देखेंगे, सभी को टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से थैंक यू।